अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से एक धमकी भरा खत एएमयूवीसी को भेजा गया। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से एएमयूवीसी को खत लिखा है कि 15 दिन में एएमयू में मंदिर का निर्माण, अगर निर्माण नहीं होता तो बीजेपी युवा मोर्चा 24 तारीख को कराएगा। एएमयू में मंदिर का निर्माण हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता निर्माण करने पहुंचेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से भेजे धमकी भरे खत को लेकर एएमयू से विभिन्न प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही है। कहा जा रहा है कि एएमयू कैंपस में सभी मजहब के लोग पढ़ते हैं, कभी इस तरह की बातें नहीं हुई है, लेकिन जब से बीजेपी सरकार सेंट्रल पर काबिज हुई है तभी से एएमयू को किसी न किसी मुद्दे पर हंगामा कर उसको टारगेट किया जा रहा है। ये लोग एएमयू का माहौल खराब करना चाहते हैं। क्या सिर्फ मंदिर मस्जिद का मुद्दा बचा है? बेरोजगारी विकास के लिए कोई बात नहीं करता। वीपी साहब, भाजयू के कार्यकर्ताओं ने और जिला अध्यक्ष ने कल डिमांड की है कि वीसी को कहा है कि 15 दिन के अंदर हमें अमूवी परिसर में मंदिर बनाने, हिंदू छात्रों के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह नियत करें, नहीं तो फिर हम खुद ही। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जो पुरानी मस्जिदें हैं उनको तोड़ा नहीं जाएगा और नई मस्जिद और मंदिर जो भी है वो कंस्ट्रक्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये पहली बात, तो अगर इस तरीके की हरकत करते हैं, घुस के मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। और इस तरीके के हरकतें कई बार कर चुके हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में यहाँ के माइनॉरिटी करेक्टर का मामला भी सब जुडीज है, उसमें भी ये लोग कहते हैं कि SC ST को आप लोग आरक्षण दीजिए, जबकि किसी भी तरीके का कोई आरक्षण यहाँ पर नहीं दिया जाता है, ना माइनॉरिटीज़ को दिया जाता है ना SC ST को दिया जाता है। उसके बाद राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का फैसला भी होना बाकी है, उसमें भी ये लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोग मंदिर वहीं बनाएंगे चाहे फैसला जो भी हो। तो इस तरीके की बातें ये हमेशा करते रहे हैं। चार जजों ने सुप्रीम कोर्ट के बैठ पर आपका सुनना, मुझे मुफ्ती जाहिद कहते हैं, मैं पूर्व चेयरमैन हूं डिपार्टमेंट ऑफ सुन्नी थियोलॉजी का। सर, जैसे कि ये यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाने की बात जो आई है, इसमें क्या होना था? देखिए, इबादत करने पर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को पाबंदी नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो जहाँ रहता है या अपने तौर पर कोई अपनी जगह में करना चाहता है या सरकारी या पड़ी हुई जगह जो है उसमें करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन कोई अगर इंस्टीट्यूशन या कोई जगह है तो वहाँ के कुछ नॉर्म्स और तरीक़े जो होते हैं उसके मुताबिक होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये मदरसतुल उलूम मुसलमानान था, यानि मुसलमानों ने एक मदरसा कायम किया, फिर अंग्रेज़ मोहम्मदन कहते थे, उसके तहत जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ, मुसलमानों के लिए गोया ये कॉलेज बन गया, आगे तरक्की हो गई उसमें इंस्टीट्यूट से। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी और जब पंडित मदन मोहन मालवीय साहब ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद वहाँ तकरीर की है तो उसमें ये कहा है कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि हमारे मोहम्मदन ब्रदर्स जो हैं उनके लिए डिनोमिनेशनल यूनिवर्सिटी यानी ख़ास कस्म की मुसलमानों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई दी जाए जिसमें उनके मज़हब और उनके कल्चर के फ़रोग के लिए काम किया जाए, जिसके लिए बनी हुई है। वहाँ पंडितों को तनख्वाहें मिलती हैं या इमामों को तनख्वाहें मिलती हैं, सब ऐसी निज़ाम चल रहा है। ये फितना पैदा करने के लिए ये काम कर रहे हैं। अगर इन्हें इसकी ज़रूरत है तो ये जाके बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट से। राष्ट्रपति हमारे प्रेसिडेंट जो हैं हमारे विजिटर भी हैं, वो उनसे बात करें, प्राइम मिनिस्टर से बात करें और दूसरे UGC में जाके बात करें। बिला वजह एक अच्छा खासा माहौल चल रहा है, पढ़ाई लिखाई के मौके पर जुलूस निकालने शुरू कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई के इम्तहान के मौके पर कुछ, और ये लड़के करें हरकत या कोई तंजीम बाहर की करे, ये यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब करने की नीयत से कर रहे हैं। और भाई, अपने यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बराबर में मंदिर और मौजूद है और बना लो, कोई पाबंदी थोड़ी ही है। यूनिवर्सिटी के अंदर ये फितना पैदा करने का और बिला वजह आपस में झगड़ा पैदा करने का क्या, इबादत पे किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, जो जहाँ चाहे जिस तरह चाहे पूजा करना चाहे, मूर्ति पूजा करे या नमाज पढ़े, कोई किसी तरह की यूनिवर्सिटी में न पहले पाबंदी थी ना अब है ना आइंदा कोई ऐसा इरादा है। सब लोग खुले दिल से बहन भाई की तरह सब आपस में यहाँ रहते हैं हिंदू मुस्लिम। मैं नहीं समझता कि ये जो आपके क्या नाम है उस तंजीम का जो आपने नाम बताया, अरे विद्यार्थी परिषद क्या आपने बताया, ये बीजेपी के जो युवा अध्यक्ष हैं ये खामखा बिला वजह तो हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं, सस्ती शोहरत के लिए जो पब्लिक के मसाइल हैं वो तो हल करते नहीं हैं, जो गरीबी है, जो भुखमरी है, बेरोजगारी है, परेशान हाली है, जिसके लिए हुकूमत लोग बनाते हैं वो काम तो करते नहीं हैं। इस तरह आपस में हिंदू मुस्लिम
मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाते रहते हैं, ना मंदिर बनाना चाहते हैं ना मस्जिद बनाना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं। इनकी नीयत ये है। हमारे हिंदू भाइयों ने तो वहाँ जगह दे दी अपने घरों में और अपने मंदिरों में और जगहों पर कि यहाँ नमाज पढ़ो। मुसलमानों ने भी कभी नहीं कहा। तमाम अयोध्या के अंदर जितने भी मंदिर बने हुए हैं सब मुसलमान नवाबों की दी हुई जगह हैं और जागीरें मौजूद हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जागीरें मौजूद हैं। कभी किसी ने कुछ कहा है? अब भी हम लोग मना नहीं करते, लेकिन अब आप कहें कि नहीं था आज मस्जिद बनाएंगे, कल लाउड स्पीकर लगाएंगे, परसों झगड़ा करेंगे, अदरसों ये करेंगे, ये तो शर्म फसाद वाले लोग हैं, बदमाशी की नीयत से कर रहे हैं काम। कोई यहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा है, कोई अख्तिलाफ है? कभी हुआ है अख्तिलाफ यहाँ पर? और सब लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। इसलिए यहाँ ये मुतालबा जो है इनका, इनकी नीयत ख़राब है, इनकी नीयत में फसाद और खोट है। इसलिए मैं नहीं समझता कि हिंदू मुसलमानों को इनकी किसी बात पर गौर करना चाहिए। अपने जैसे हम रहते चले आए, रहते रहेंगे और ऐसे ही आपस में मामला को करते रहेंगे। तो राम मंदिर इसमें मंदिर बनना बनेगा ही? किस बात की? क्यों यहाँ पर? यहाँ डिनोमिनेशनल यूनिवर्सिटी है, मुसलमानों के लिए पाबंदी पढ़ाई लिखाई में कोई नहीं है। हिंदू बच्चा टॉप करता है तो हिंदू को दाखिला होता है, मुस्लिम बच्चा टॉप करता है, सारे हर साल जो है हमारे यहाँ हाई स्कूल और इंटर में हिंदू बच्चे टॉप कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये मुसलमानों की थी, मुसलमानों ने बनाई, मुसलमानों ने 30 लाख रुपये सरकार को दिया और अपने ही उसको अपग्रेड करके बनाया हमने, उन्होंने सिर्फ रिकग्नाइज़ किया है। रिकग्निशन का मतलब बनाना नहीं होता, बनाती जो कौम है लोगों ने ये दिए और बनाई ही गई है उनके मजहब के लिए और उनके कल्चर के लिए। जैसा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बनाने वाले, उन्होंने तकरीर में कहा 1 अगस्त और अक्टूबर 1915 की कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें सेंट्रल लेजिस्लेचर की तकरीर में उन्होंने स्पीच में ये बात कही है।